नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, एक और जहां सरकार गर्भवती महिलाएं प्रसूता को कई तरह की योजना चलाकर आर्थिक लाभ दे रही है, तो वही समाज के दुश्मन उनके पैसों पर अपनी नजर गड़ाए हुए उनके हक का पैसा धोखाधड़ी कर निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के मझगावा से सामने आया है, जहां एक कियोस्क संचालक पर धोखाधड़ी कर एक आदिवासी प्रसूता का पैसा निकालने का आरोप लगा है। पीड़ित प्रसूता ने अंगूठा लगवाकर ऑनलाइन पैसा हरण करने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाते मामले की शिकायत एसपी कार्यालय पहुंची है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली अंतर्गत ग्राम मझगावा डेवरी टोला निवासी प्रसूता गीताबाई अपने पति सुरेश सिंह गोड़ के साथ मदद की गुहार लगाते हुए शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि प्रसव के दौरान सरकार की योजना के तहत 12,000 रुपये उनके खाते में आया था। जरूरत पड़ने पर मझगावा में ही कियोस्क संचालक कथित सतीश तिवारी से प्रसव के 12,000 रुपयों में से 4,000 रुपये निकालने पहुंचे, जहां कियोस्क संचालक सतीश ने उनसे अंगूठा लगवाकर 4,000 रुपये हरण कर लिया, जिसके बाद यह कहते हुए वहां से जाने से कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं निकाल रहा। उन्हें शंका होने पर बैंक पर जाकर इस बात की पुष्टि की कि उसे संचालक उनके खाते से पैसा निकाल लिया है या नहीं, तब पता अगली उक्त की उसे संचालक उनके खाते से 4,000 रुपये निकाल लिया है। इससे आहत आदिवासी परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सीएसपी राघवेंद्र त्रिवेदी से मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी राघवेंद्र त्रिवेदी ने कोतवाली को उक्त शिकायत को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शेड्यूल से जिला ब्यूरो सुनील त्रिवेदी की रिपोर्ट। सर, पहले हम चेक करवाने आए थे ऑनलाइन से, गांव में आए थे मझगामा, ये सतीश तिवारी के यहाँ, तो चेक हो गया। पहले अंगूठा लगवाया, तो अंगूठा लगवाए तो बोला कि 12,000 है आपके खाते में, 12,074 रुपये। तो इसके बाद हम बोले कि 4,000 निकाल दो, तो फिर कहे अंगूठा लगाओ, तो अंगूठा तो लग गया। फिर बोला कि आपका पैसा कट गया, नहीं मिले गया है। बोला कि सरकार काट लिया, सर्च नहीं पा रहा है, सर्चिंग नहीं कर रहा है, ऊपर से काट लिया सरकार। किस चीज़ का पैसा आया था? वो बच्चे वाला पैसा आया था डिलीवरी का। कब आया था? कि सर, ये हम 2 तारीख को गए थे चेक करवाने। कहाँ डिलीवरी हुई थी? ये मझगामा। मझगामा में? जी जी, अस्पताल में। जी। अच्छा, तो ये पैसा क्या हो गया, कैसे, मतलब क्या आरोप है आपका? मेरा, मैं तो पहले फिर पैसा मेरा निकल गया सर, तो मैं बैंक सीधा सरकारी बैंक गया, शहडोल आया, तो सर शहडोल आए तो उसमें साहब बोले कि आपका पैसा वही निकाल लिया अंगूठा लगा के, आप उससे बोलो मांगो आए। तो हम फिर आए तो वो बोल दिया कि जो जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसा, हमारे खाते में नहीं आया है। अब आप कहाँ? हाँ, जो करना है कर लो आए। तो अब आप कहाँ आए शिकायत करने? हम शिकायत करने यहाँ आए हैं एसपी के यहाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह गौड़। बोले कि 4,000 निकलवाना है। अच्छा, 4,000 निकलवाए, अंगूठा लगवा दिया और पैसा निकाल लिया, हमको कुछ भी नहीं दिया मझगावा। अच्छा, एक बार अंगूठा लगा के निकल दिया, नहीं है पैसा, 4,000 निकाल लिया, बोले कि आपको पैसा काटेगी थोड़ी। हाँ, वही बोले हम बैंक फिर आ। इसी का पैसा आया था, सोचे कि हम दवाई करवाएंगे। क्या हो गया इसको? हो गया वो, हाँ, ऐसे टाइम के लिए आदमी पैसा बच। गीता भाई मझगवा की है, उसका कुछ प्रसूत संबंधित पैसा आया था उसके खाते में, टोटल 12,000 रुपये थे। वो किसी कियोस्क वाले के यहाँ, जो गांव का ही तिवारी है, उसके पास गई थी, तो अंगूठा उससे लगवा लिया। और अंगूठा लगवाने के बाद उसका कहना है कि फिर उसने बोला कि अब तुम्हारा पैसा नहीं निकल रहा है, इस तरह से उसने पैसा उसको दिया नहीं। इसकी जानकारी जब वो बैंक गई तो उसको ये पता चला कि नहीं, तुम्हारा पैसा तो 4,000 निकल चुका है, 12,000 में से केवल 8,000 रुपये बचे हैं। इसी की शिकायत करने वाली थी, जिसकी जांच के लिए हमने लिख दिया है, और जैसे भी स्थिति क्लियर होगी उस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हूँ।